गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं स्पिन कोटिंग यूनिट प्रोग्रामेबल जो है इसका डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। और ये हमारे पास सर 6000, 8000, 10000, 15000, 20000 RPM तक अवेलेबल है। ये 10000 का है। तो ये कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूँ। पहले सर आपको मेन ऑन करना है, फिर ये मेन स्विच ऑन करना है, उसके बाद पंप ऑन करना है। सर पंप ऑन हो गया, ये वैक्यूम पंप। अब इसमें हम सबस्ट्रेट को वैक्यूम करेंगे, जिस भी सबस्ट्रेट को कोटिंग करना है। तो ये हमारा सैंपल लगा हुआ है, इसमें ऐसे दो और हम मैं देता हूँ विथ की, जो अकॉर्डिंग टू योर सैंपल आप चेंज कर सकते हैं। ये डोर ओपन का स्विच है, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे लीड ओपन दिखाएगा, तब RPM आपका मूव नहीं करेगा। तो ये पहले हम सबस्ट्रेट के जगह पे रख दिया हमने, और ये लीड ओपन, उसके बाद हम वैक्यूम करेंगे, फिर वैक्यूम आ जाएगा, फिर RPM यूज़ करेंगे स्पिन का। तो ये RPM आपका, अब RPM हम बढ़ाएंगे, अभी 1000 RPM पे चल रहा है। इसमें एक है लीड ओपन का, जैसे ये लीड कोई ओपन करता है RPM आपका ऑफ हो जाएगा। हमने तो ज़्यादा RPM पे सेट कर रहा, मैंने 5200 RPM पे 5000 होल्ड है। इसमें कोटिंग काम नहीं दिया है, यहाँ से आप वैक्यूम कर सकते हैं, और इसमें सेफ्टी वाइज भी हमने वैक्यूम किया है। अब मैं इसको देखिए 52.5 एक्यूरेसी में कंट्रोल करता है, 0.5% पे। ये कुछ देर बाद मेंटेन कर लेता है तो मेंटेन हो जाता है। अभी 5240 तो 5239 5240 RPM पे कंट्रोल कर रहा है। अब मैं इसको प्रोग्राम में चलाता हूँ। ये तो सिंपल सेटिंग हुआ कि अप एंड डाउन से आप RPM चेंज कर सकते हैं, जो भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सेट RPM बाई अप एंड डाउन किन देन प्रेस एंटर टू कन्फर्म। ये 1000 आ गया, 1000 RPM। एंटर किया हमने, ये है आपका पेज, ये डाउन की अप की और ये एंटर। तो अभी मैंने 1000 RPM सेट कर दिया। सिंपल सेटिंग में सेट RPM बाई अप एंड डाउन किन देन प्रेस एंटर टू कन्फर्म RPM। अब प्रोग्राम में मैं चला रहा हूँ, पेज बटन दबाएंगे, पेज बटन दबाएंगे प्रोग्राम में, पेज 14 में जाऊँगा मैं प्रोग्राम सेट करने के लिए। इसमें हमने दिया सेगमेंट 1 में 4000 RPM 1 मिनट में, सेगमेंट 2 में 7000 RPM दिया हमने 1 मिनट में, सेगमेंट 3 में हमने 9999 RPM दिया है 1 मिनट में, और इसको हम होल्ड कर लेते हैं 1 मिनट 9900 RPM को। ये मैं सब लाइव आपको दिखाऊंगा। ये 1000 RPM में चल रहा है, जो सिंपल सेटिंग का है। यहाँ 1 मिनट हमने होल्ड कर दिया। ऐसे 16 स्टेप है। अब हम पेज बटन दबा के बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम रन करके लेने के लिए। ये देखिए 1000 पे मेंटेन कर रहा है, जो सिंपल सेटिंग का कमांड है। पेज हम दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे, अब किसे स्टार्ट कर देंगे, यस कर देंगे। अब ये 1 मिनट में 4000 RPM जाएगा,
फिर 1 मिनट में 7000 जाएगा, फिर 9900 जाएगा और 1 मिनट स्टेबल रहेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ऑटोमेटिक चले गए। आपका वैक्यूम सैंपल भी सबसे खोल रहे हैं यहाँ से कोटिंग आप कर सकते हैं। ये 6000, 8000, 12000, 10000, 15000 और 20000 RPM पे अवेलेबल है। सारे मॉडल का प्राइस अलग अलग है। और मैं भी वैक्यूम पम्प जो नॉन रिटर्नेबल है, इसमें वायल कभी रिटर्न नहीं होगा, और ये चौक और ये सारा इनबिल्ट सिस्टम है और मात्र 16 एम्पियर के सॉकेट पे वर्क करता है। देखिए 1 मिनट में 4000 जाएगा। अब वैक्यूम वहीं का वहीं, 4 के बाद, यहाँ के बाद कभी भी लीड अगर है, ये जो है पॉइंट 4 के बाद, 400 के बाद इधर भी कहीं भी है वैक्यूम, तो आपका सबस्ट्रेट सेफ है 4000 के नीचे डाउन होने से। अब 1 मिनट में 4000, ऐसे ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जाके 9999 RPM पे 1 मिनट होल्ड करेगा। ठीक है, अपना सबस्ट्रेट भी 8000 RPM जाने वाला है। ये ऑलमोस्ट 9000 RPM चला गया। अब 1 मिनट इसी RPM पे होल्ड रहेगा, फिर डाउन हो गए। थैंक यू फॉर वाचिंग सर, थैंक यू। यही हमारा प्रोग्रामेबल स्पिन कोटिंग यूनिट्स है, जो अभी 10000 RPM का मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया। ये 1 मिनट होल्ड होकर डाउन हो गया।